कार्यक्रम अभ्यास के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त विनीता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे दोस्तों के लिए विशेष रूप से इस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विसेज डिवीजन ने डेवलप किया, प्रस्तुत किया है। व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए श्रोताओं के सवाल हमें प्राप्त होते हैं और जवाब शनिवार रात 9:30 बजे हमारे एक्सपर्ट देते हैं। आज का विषय है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक्सपर्ट हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की प्रोफेसर दुर्गेश नंदिनी। इनके कुछ किताब भी पब्लिश हुए हैं, मसलन रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेसी, और भी बहुत कुछ किया है। लगभग 11 कोर्सेज इग्नू में इन्होंने डेवलप किए हैं। आज ये हमारी खुशनसीबी है कि स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं और आपके सवालों के जवाब देंगी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आप हैं। धन्यवाद, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। और जो ऑलरेडी अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एग्जाम की स्ट्रेटजी डिस्कस करके हमें बहुत खुशी होगी। इस सेशन में एग्जामिनीज को बहुत ज्यादा लाभ वाला है, खासकर वो जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अपना सब्जेक्ट बनाया है। कार्यक्रम का आगाज हम आमतौर पर करते हैं एक एक्सपीरियंस सेगमेंट से। भारत के राष्ट्रपति के पास भारत में सर्वोच्च निर्वाचित पद होता है और वह 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। चुनाव प्रक्रिया संविधान और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के प्रावधानों द्वारा पूरक है। एक आवेदक द्वारा चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यताएं, व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, उनकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। उम्मीदवार को भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी के नामांकन को प्रस्तावक के रूप में कम से कम 5 निर्वाचकों और अनुमोदक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा समर्थित होना चाहिए। नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 15,000 रुपए की जमानत राशि की रसीद प्रस्तुत की जानी चाहिए। नामांकन दाखिल करते समय आवेदक, प्रत्येक उम्मीदवार का एक प्रस्तावक या एक समर्थक उपस्थित होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति के कार्यालय में चुनाव कराने और नियुक्तियां करने का अधिकार भारत के चुनाव आयोग के पास निहित है। महासचिव लोकसभा या महासचिव राज्यसभा को रोटेशन द्वारा रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है और मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एक सांसद द्वारा प्रत्येक वोट का निश्चित मूल्य 708 है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या को उसकी विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है और प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित किया जाता है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोविड पॉजिटिव मतदाताओं को भी वोट देने की सुविधा दी गई। मतदान के अंतिम घंटे में या सभी गैर कोविड मतदाताओं द्वारा अपना वोट डालने के बाद उन्हें मतदान करने की अनुमति दी गई। थैंक यू राकेश। एक्सप्लेनर सेगमेंट के बाद हम फिर हाजिर हैं। बातें चल रही हैं कार्यक्रम अभ्यास में और अब हमारे सवालों का सिलसिला स्टार्ट होगा, चूंकि एक्सप्लेनर सेगमेंट में उससे संबंधित सवाल मैम आपसे पूछना चाहूंगी। लेजिस्लेटिव पावर्स वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ जानकारी। हम सब जानते हैं राष्ट्रपति का क्या महत्व है एक लोकतांत्रिक देश में जी, और राष्ट्रपति राज्य का जो है संवैधानिक मुखिया होता है और इस कारण वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि सरकार के सारे कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं, परंतु वह निर्धारक, निर्देशक व निर्णायक नहीं होते। इनकी शक्तियों के बारे में बात करते हैं, विधायी शक्तियों के बारे में, तो हम उसमें ये उल्लेख करेंगे कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे संसद को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और निचले सदन को समाप्त कर सकते हैं। वह संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संचालित की जाएगी। वे प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। वे किसी भी विधेयक के लंबित होने के संबंध में संसद के सदनों को इस संदर्भ में सूचना भेज सकते हैं। वे लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदस्य की कार्यवाहियों के संचालन के लिए नियुक्त कर सकते हैं जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यालय रिक्त हो। ऐसे ही
वे राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यालय रिक्त हो। वे साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्रों में से प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नामांकन राज्यसभा के लिए करते हैं। चुनाव आयोग के विचार विमर्श के साथ संसद के किसी भी सदस्य को अयोग्य करने के बारे में भी निर्णय कर सकते हैं। कुछ एक विधेयक जैसे भारत की संचित निधि में से व्यय या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या नए राज्य की स्थापना के संबंध में संसद में प्रस्तुतीकरण के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होती है। जब एक बिल जो संसद द्वारा पारित किया गया हो उस पर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तब वे विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं। विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना भी कर सकते हैं या विधेयक को संसद में पुनः सोच विचार के लिए भेज सकते हैं। यदि विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, हमें इस पर बहुत ध्यान से विचार करना है कि विधेयक किस प्रकार का है। अगर विधेयक जो है वो वित्त विधेयक नहीं है तभी वापस भेजा जा सकता है। यदि संसद विधेयक को संशोधन समेत पुनः राष्ट्रपति को भेजता है तब वह राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यहाँ इस बात को नोट किया जाए कि राष्ट्रपति के पास संविधान संशोधन विधेयक पर कोई निषेधाधिकार नहीं होता है। यदि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के रखता है तब राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं या फिर विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर देते हैं या फिर राज्यपाल को वे निर्देश के संकेत देते हैं जो विधेयक को विधानसभा के पुनः सोच विचार करने के लिए लौटाया जाए। अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में नहीं होती है। संसद के पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर ही अध्यादेश का अनुपालन होना आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। वे महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य को संसद के सदनों के सम्मुख उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बुला सकते हैं। वे केंद्र शासित प्रदेशों के शासन संबंधित नियम भी बना सकते हैं। कुछ मुख्य शक्तियां हैं जो उनके पास नहीं। तो ये थे भाई लेजिस्लेटिव पावर्स प्रेसिडेंट के। और हमारा अगला सवाल शंकर नावेखर नांदेड़ महाराष्ट्र से, उनका सवाल है लोक प्रशासन लोगों के बिना कितना अधूरा है, स्पष्टीकरण दीजिए। और साथ ही मैम हम ये भी जानना चाहेंगे इसका महत्व क्या है। सरकार के कुशल संचालन के लिए लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। यह सरकार का क्रियात्मक भाग है। यह सत्ता का केंद्र और लोक सेवा की एक संस्था दोनों ही है। लोक सेवा की एक संस्था के रूप में यह लोगों को सेवाएं प्रदान करता है तथा जनहित को बढ़ावा देता है या संवर्धन करता है। एक सत्ता के केंद्र के रूप में लोक नौकरशाही अपने ही विशेषाधिकारों से संबद्ध होने की तरफ प्रवृत्त होती है। पिछले कुछ वर्षों में लोक प्रशासन में तेजी से परिवर्तन आते जा रहे हैं तथा चुनौतियों का उत्तर देने के लिए लोक प्रशासन विकसित हुआ है और आज भी विकसित हो रहा है। जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है, अगर हम चाहते हैं कि लोक प्रशासन जो है सफलतापूर्वक देश के विकास के लिए कार्य करे तो अकेले प्रशासक से हम उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो सब काम सफलतापूर्वक कर संचालन कर लेंगे। जिस तरह से हमें नीति निर्माण करना है या फिर हमें नीति का कार्यान्वयन करना है उसमें लोगों की जन भागीदारी बहुत महत्व रखती है और उसी के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जो हैं, उनका भी सहयोग आवश्यक है। नीति निर्माण में जन सहयोग से हमें पता चलता है कि उनकी क्या मुख्य आवश्यकताएं हैं। यहाँ पर अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, पंचायती राज संस्थाओं का उदाहरण लेते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि आज की डेट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कितने अच्छे से कार्य कर रहे हैं और उसमें जन सहभागिता कितनी महत्वपूर्ण है और किस तरह से वो सहयोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो योजनाएं हैं वो भी बहुत अच्छी बन रही है। और अभी हम सतत विकास की बात करते हैं तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी जन सहभागिता बहुत ही महत्वपूर्ण। गांव की पंचायतों में चाहे वो लेखा परीक्षा हो या फिर वो योजना निर्माण का कार्य हो, जन सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत योगदान दे रही है निर्णय लेने में भी, योजना बनाने में भी और योजना का कार्यान्वयन करने में भी। ये जो अगला सवाल है वो है देवराम राजस्थान से। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। नाम देवराम, जिला बाड़ में, राजस्थान। मैम ये तो इसके साथ आप जरूर बताएं कि इसकी सीमाएं क्या हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा गया है। प्रशासन पर जो न्यायिक नियंत्रण है वो बहुत आवश्यक है, अदरवाइज प्रशासन भी अपनी सीमाएं लांघ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से मामलों तक सीमित है जो प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण है तो वो है अधिकार क्षेत्र की कमी, कानून की चूक, तथ्य की गलती, कार्यविधि की गलती, प्राधिकार का दुरुपयोग। लेकिन इसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं तो उसमें जो पहला रूप है वो है न्यायिक समीक्षा,
दूसरा है सांविधिक अपील, सरकार के विरुद्ध मुकदमा, सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक और सिविल मुकदमे, असाधारण निराकरण। इसके साथ ही आपने मेरे से प्रश्न पूछा कि न्यायिक नियंत्रण की सीमाएं क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इन सीमाओं में सबसे पहली सीमा है काम की अत्यधिक मात्रा। इतना ज्यादा काम रहता है प्रशासकों के पास कि वो किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रतिदिन के हस्तक्षेप, हर छोटी बड़ी बात के लिए जहां जरूरत नहीं है वहां भी हस्तक्षेप जो है वो उनको कार्य को प्रतिबंधित करेगा। इसके अलावा है न्यायिक नियंत्रण का स्वरूप, जिसको हम स्वपरीक्षण स्वरूप कहते हैं, निषेधात्मक लागत, पेचीदी कार्यविधि, संवैधानिक सीमाएं, प्रशासनिक कार्रवाइयों का विशेषज्ञ स्वरूप, जागरूकता की कमी, न्यायपालिका की स्वायत्तता का ह्रास। अब सबसे पहले हम इसमें पहले और अंतिम डिटेल में बताते हैं आपको कि न्यायपालिका की स्वायत्तता के ह्रास का इसमें क्या संबंध है। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यपालिका का हस्तक्षेप होता है। न्यायपालिका की गुणवत्ता अधिकतर न्यायाधीशों की योग्यता पर निर्भर करती है। विधि आयोग ने न्यायपीठ के न्यायिक स्तर को सुनिश्चित करने के बारे में कई सिफारिशें की है। न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए हैं, इससे न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और प्रभावशीलता से कमी आती है। पहले भी कार्य किए गए हैं और कुछ और भी किए जा रहे हैं, विशेष रूप से जनहित याचिका, कानूनी सहायता और ग्राम न्यायालय, जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अगला सवाल तन्मय का है। तन्मय पूछ रहे हैं पूर्णिया बिहार से, ग्रेजुएशन में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे UPSC में या उसके बाद के कार्यकारी जीवन में अधिकारी रहते हुए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध होती है? लोक प्रशासन में नीति निर्णय, नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। एक ऑफिसर या प्रशासक की ये जिम्मेदारी होती है कि जो नीति निर्माण हो रहा है उसके लिए वो प्रॉपर ड्राफ्ट बना करके दे, और वो नेताओं को दिया जाता है, जबकि संसद में या राज्य स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं, नए कानून बनाए जाते हैं, नए नियम बनाए जाते हैं, नई पॉलिसीज बनाई जाती है। उसके बाद हमारी बारी आती है नीति कार्यान्वयन की। एक प्रशासक जो कि वेल ट्रेन्ड है, जिसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है और वो अपने कार्य में सक्षम है, वो नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन दोनों ही बहुत सफलतापूर्वक करेगा, जिससे हमारी जो नीतियां हैं, जिसमें स्वच्छता भारत मिशन, इसको किस तरह से सफलता मिलेगी, तभी सफलता मिलेगी अगर इसके लिए जो नीति निर्माण है और नीति कार्यान्वयन है वो सही तरीके से होगा। और सही तरीके से करने के लिए प्रशासक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें वो वहां के जो लोकल पब्लिक होती है उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को उनको एनकरेज करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। तो ये एक माइंडसेट चेंज की बात है। इतनी सारी गहरी बातें करने के बाद एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने।
अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से है आज हटाने। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। वेलकम बैक। इस रिफ्रेशिंग गाने के बाद हम फिर हाजिर हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर दुर्गेश नंदिनी और आपके बहुत सारे सवाल जो अब भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल है वो है अंसार अली बाबरपुर से। मैं अंसार अली शहादरा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में F.W. टेलर और हेनरी फ्योल के योगदान के बारे में हमें बताएं। टेलर का जो प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रबंधात्मक विधियों तथा विचारशीलता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है जी, परंतु ये संगठन का पूर्ण सिद्धांत देने में असफल रहा। ये इसका मूल्यांकन है जो बहुत जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो वो जनरल सिद्धांतों और को पढ़ लेते हैं लेकिन उनका जो मूल्यांकन है वो नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। लेकिन अगर उनको अच्छे मार्क्स लेने हैं तो बहुत जरूरी है क्रिटिकल इवैल्यूएशन। अगर आपको टेलर के सिद्धांत का मूल्यांकन करना तो आप किस तरह से करेंगे? वैज्ञानिक सिद्धांत का मुख्य ध्यान निम्न स्तर पर तथा अलग क्रियाकलापों के निरीक्षणात्मक अवधारणा के पुनर्निर्माण पर था। एक संगठन के संपूर्ण प्रशासनिक संरचनाओं पर बहुत कम ध्यान दिया गया था। निर्णयन पर ध्यान केवल निम्न स्तर तक सीमित था। इस दृष्टिकोण ने संगठन को एक मशीनी प्रणाली के रूप में देखा तथा माननीय पक्ष की अनदेखी की। इसने संगठन की कार्य कुशलता पर ध्यान केंद्रित किया तथा श्रमिक को एक मशीन के रूप में देखा। श्रमिकों ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया। बहुत स्वाभाविक है, ये विरोध होना भी था। तो उत्प्रेरणा की अवधारणा जो थी उसको भी आर्थिक कारणों के संदर्भ में साझा तथा अवलोकन किया गया। इसमें मनोवैज्ञानिक तथा क्रियात्मक कारकों से हटकर उत्प्रेरणा के लिए भौतिक परितोषिकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड, एमपी फॉलेट जैसे विचारकों ने, जिन्होंने संगठन में कर्मचारियों के व्यवहार तथा उनकी भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया व उन्हें आगे बढ़ाया। कर्मचारियों, श्रमिकों तथा श्रमिकों संगठनों द्वारा इस दृष्टिकोण की व्यापक आलोचना की गई। टेलर ने निरीक्षकों तथा श्रमिकों के बीच सहयोग पर बल दिया, जिसे श्रमिक संघों ने श्रमिक संघवाद तथा श्रमिकों के अधिकारों को एक चुनौती या धमकी के रूप में देखा। वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण का प्रबंधकों ने भी विरोध किया। उनका मत था कि वैज्ञानिक पद्धति का अपनाना प्रबंधकों के निर्णय के लिए बहुत कम स्थान प्रदान करता है। इसने कर्मचारियों, श्रमिकों के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि की। इसके पश्चात अगर हम देखें, यद्यपि वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण की कुछ स्पष्ट सीमाएं हैं, इसने लोक प्रशासन का एक अध्ययन विषय के रूप में विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी दृष्टिकोण के कारण कुशलता को एक संगठन के मुख्य ध्येय तथा उद्देश्य के रूप में व्यापक स्वीकृति प्राप्त हुई है। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण ने पेशेवरों, कार्यपालकों तथा सरकारी अधिकारियों के अनुकूलन में योगदान किया। प्रशासनिक सत्ता का संकेंद्रण, योग्यता प्रणाली, उत्तरदायित्व तथा लोक प्रशासन के क्रियाकलापों का संचालन जैसे अनेकों सुधारों का विलय या मिश्रण आसानी से वैज्ञानिक प्रबंधन के मूल्यों के साथ हो गया। इस इकाई में इन सभी आयामों का वर्णन भी किया गया है। वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन को स्वीकारा गया तथा प्रबंधन तथा संगठनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर आगे ले जाया गया। इसे गुणवत्ता सुनिश्चितता तथा गुणवत्ता नियंत्रण का ऐसी पद्धतियों के रूप में विकास हुआ जिनका केंद्र बिंदु यह था कि प्रक्रियाओं को कैसे सुधारा जाए तथा कैसे उन्हें मानकीकृत तथा क्रियान्वित किया जाए। अगली सुनीता चौधरी और वो पूछ रही हैं, सामाजिक असमानता और स्त्री पुरुष असमानता के द्वारा चिन्हित समाज में महिलाओं का स्वयं सहायक समूह क्या भूमिका निभाता है?
स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं, क्योंकि इन समूहों में कार्य करने से उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप महिलाओं की क्षमताओं में बढ़ोतरी होती है। आज भारत दुनिया भर में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखता है, किंतु हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियां महिला समूहों की गतिशीलता, व्यवहार्यता व साध्यता में अनेक चुनौतियां खड़ी करती है। हमने आज भी देखा है जिस तरह से रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए भी है। बहुत सारे ऐसे राज्य है जिन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में 50% रिजर्वेशन आरक्षण महिलाओं के लिए किया है। उससे भी महिलाओं में एक जोश आया है कार्य करने के लिए और स्वयं सहायता समूह ग्रुप्स के थ्रू वो आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पे अपने दोस्तों को ये रिमाइंड कराते हैं कि अगर वो इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें करना क्या है। बस 9289094044 पर व्हाट्सएप के जरिए हमें ऑडियो सवाल भेजें, और वो ईमेल करना चाहें तो abhyas.airnews@gmail.com पर हमें वो मैसेज कर सकते हैं। जब वो अपने सवाल भेजेंगे तो उसका जवाब उन्हें मिलेगा शनिवार रात्रि 9:30 बजे। एक सवाल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य क्या हैं? परिप्रेक्ष्य तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे पहले मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, उनको कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बता दें जो कि हम देखते हैं आमतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो IAS की तैयारी कर रहे हैं UPSC के थ्रू या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, जब वो तैयारी करते हैं जी। प्रोफेसर RK अरोड़ा की इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर बुक है, उसको पढ़ते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर सप्रू की बुक है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर और पब्लिक पॉलिसी पर। प्रोफेसर मोहित भट्टाचार्य की बुक है न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकोलस हेनरी की बुक है, प्रोफेसर माहेश्वरी की बुक है, काफी किताबें हैं। लेकिन हमारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए ये समस्या बनी रहती है कि हिंदी मीडियम में, हिंदी माध्यम में उनको अच्छी पुस्तकें नहीं मिलती। जी मैम, और यही एक सवाल भी आया यहाँ पे प्रमोद कुमार UP से, वो उन्होंने यही पूछा है। माय नेम इज प्रमोद कुमार, मैं ये चाहता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बेस्ट बुक कौन सी है। प्रमोद जी, इसके लिए हम आपको बहुत ही अच्छा सुझाव देंगे जो आपके लिए बहुत इजी भी होगा। आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चले जाइए, उसमें ई ज्ञानकोश है। जैसे ही आप ई ज्ञानकोश को खोलेंगे उसके अंदर आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे जिसमें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ आपको कोर्सेज मिलेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है, हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो कोर्सेज हैं इसमें हम पूरे नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, इनकी एडिटिंग भी एक्सपर्ट्स ही करते हैं, इसलिए ये कोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हम विदेशी राइटर्स भी, देशी राइटर्स भी सबको इन्वॉल्व करते हैं और अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे यूनिट्स या लेख उपलब्ध करवाते हैं और हिंदी में भी बहुत अच्छे लेख मिलते हैं। चलिए, बहुत सारी जानकारियां उनको मिल गई, लेकिन हमारा एक और भी बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है फैक्ट फाइल। हमारे जलवायु की स्थिति पर IPCC की 6वीं मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में पिछले 1,25,000 वर्षों में सबसे गर्म अवधि होने की संभावना है। 1880 से 2020 के रिकॉर्ड में 7 सबसे गर्म वर्ष 2014 के बाद हुए हैं। महासागरों ने 1971 और 2010 के बीच ग्रह द्वारा प्राप्त की गई 90% ऊष्मा को सोख लिया है। औद्योगिक क्रांति से पहले महासागर वास्तव में कार्बन का स्रोत थे, लेकिन अब वातावरण में भारी मात्रा में CO2 होने से उन्होंने गैस को अवशोषित करना शुरू कर दिया है। पिछली सदी में वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 20 सेंटीमीटर बढ़ा। पिछले 2 दशकों में वृद्धि की दर पिछली सदी की तुलना में लगभग दुगनी है। प्रति मिलियन 416 भागों में हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मानव इतिहास में सबसे अधिक है। वर्तमान पथ पर जलवायु परिवर्तन से हमें सदी के मध्य तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 11-14% खर्च करना पड़ सकता है।
उष्ण कटिबंधीय वन कार्बन के भंडारण में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हैं, जो सबसे खराब जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों को रोकने के लिए आवश्यक शमन कार्रवाई का कम से कम एक तिहाई प्रदान करते हैं। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटन मीथेन 25% से अधिक वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। वायुमंडल में छोड़े जाने के बाद 20 वर्षों के दौरान इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता है। फैक्ट फाइल के बाद दोस्तों हम फिर हाजिर हैं और कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पे आ चुका है और आज का अंक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित था, पिछला अंक सोशियोलॉजी पे आधारित था और एक्सपर्ट द्वारा जो सवाल पूछा गया था उसका सही जवाब दिया अंसार अली बाबरपुर शाहदरा दिल्ली से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैम को कि वो भी अपने श्रोताओं से एक छोटा सा सवाल जरूर पूछे क्योंकि जवाब देने वालों को मिलेगा एक ई सर्टिफिकेट। कि भारत का कौन सा राज्य है जो लेखा परीक्षा में सबसे सफल रहा है। और दोस्तों अब दे दें हम आपको परीक्षाओं की जानकारी। बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक विद्यालयों में BPSC प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए 28 जुलाई को एक लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। रेलवे भर्ती बोर्ड 30 जुलाई को स्टेशन मास्टर और यातायात सहायक पदों के लिए कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा आयोजित करेगा। JKPSC द्वारा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा CCE 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। UPPSC 31 जुलाई को मेडिकल ऑफिसर के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपने बहुत सारी जानकारियां हासिल की, आप हमें जरूर से जरूर फीडबैक दें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर और ईमेल भी कर सकते हैं आप हमें। सो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू AIR। प्रोफेसर दुर्गेश नंदिनी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू मैम फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ और अपने दर्शकों की भी जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। धन्यवाद। अगला विषय होगा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और 27 जुलाई तक आपके सवालों का हम करेंगे इंतजार। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम। बाय बाय। नमस्कार। शुभ रात्रि।